सोने का पंछी। किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था जिसके पास एक खास किस्म का सेब का पेड़ था। उस पेड़ पर सोने के सेब उगते थे। हर रोज माली उन सेब को गिनता था और राजा के हवाले करता था। एक सेब गायब है। माली ने जब सेब कम होने की बात कही तब राजा क्रोधित हो गया। चोर को हम जरूर सजा देंगे। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को पेड़ की पहरेदारी के लिए रखा, लेकिन बीच ही रात में बड़ा बेटा सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर से एक सेब कम था। आज मैं अपने दूसरे बेटे को सुरक्षा के लिए जरूर रखूंगा। रात हो गई और माली का दूसरा बेटा भी मध्य रात में सो गया। दूसरे दिन फिर से एक सेब कम पाया गया। तीसरे और सबसे छोटे बेटे ने अब पहरेदारी की जिम्मेदारी ली। आओ सेब चोर, मेरे सामने आओ। रात में जैसे ही 12 बजे तब हवा में कुछ आहट हुई और एक पंछी जो असली सोने का था उड़ता हुआ वहाँ गया। वो अपनी चोट से सेब तोड़ने लगा। माली का बेटा तुरंत उठा और उस पर तीर चलाया, लेकिन तीर से पंछी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक सोने का पर उसके पूंछ से गिर गया और वो उड़ गया। सोने का पर सुबह राजा के सामने पेश किया गया और मंत्रियों को राज दरबार में बुलाया गया। सभी ने माना कि ये तो राजा के सारे शाही खजानों से बहुत कीमती था। इस एक पंख से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा पंछी चाहिए। ऐसा बहादुर कौन है जो मेरे पास इस सोने के पंछी को पेश करेगा? माली का बड़ा बेटा आगे बढ़ा और उसने इसकी जिम्मेदारी ली। शाबाश। और बड़ा बेटा चल पड़ा उस सोने के पंछी की तलाश में। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने एक लोमड़ी को वहां बैठा पाया। ये देखकर उसने अपने तीर कमान से निशाना साधा। कृपा करके मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगा। मैं जानता हूँ तुम क्या करते हो और यहाँ उस सोन पंछी की तलाश में आए हो, है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम शाम को एक गांव में जाओगे जहाँ तुम्हें दो सराय आमने सामने नजर आएंगे, जिसमें से एक देखने में बढ़िया और खूबसूरत होगी और दूसरी झोपड़ी जैसी। तुम रात को ठहरने के लिए झोपड़ी चुनना। लेकिन माली का बेटा सोचने लगा, इस चालाक लोमड़ी को भला इसके बारे में क्या पता। इसीलिए उसने लोमड़ी पर तीर चलाया, लेकिन चूक गया और लोमड़ी जंगल में भाग गया। फिर वो गांव के रास्ते चल पड़ा जहाँ पर दो सराय आमने सामने थे, जहाँ पर लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और मस्ती कर रहे थे। लेकिन वही दूसरी ओर गुंडागिरी और गरीबी थी। ये देखकर वो सोचने लगा, अगर मैं इस झुग्गी वाले घर में गया तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसीलिए वो बढ़िया घर में गया जहाँ उसने खाया पिया और आराम किया। वो उस पंछी और अपने देश को भूल गया। समय बीतता गया और बड़ा बेटा वापस नहीं आया तो दूसरा बेटा चल पड़ा। उसका भी यही अंजाम हुआ। उसे लोमड़ी मिली जिसने सलाह दी, लेकिन वो जब दो सराय के पास पहुंचा, तब उसके बड़े भाई ने उसे बढ़िया वाले सराय की तरफ बुलाया। वो उस तरफ गया और सोने के पंछी और उस देश को भूल गया। समय बीतता गया और अब सबसे छोटा बेटा भी सोने के पंछी की तलाश में निकल पड़ा। कृपा करके मुझे जाने दो। लेकिन उसके पिताजी तैयार नहीं थे। मैं पहले ही अपने दो बेटे खो चुका हूँ। लेकिन पिताजी, मैं वापस लौटूंगा, मेरा यकीन कीजिए। आखिर में माली मान गया और बेटा जंगल में गया जहाँ उसे वही लोमड़ी मिली और जिसने उसे वही सलाह दी। अगर तुम उस सोन पंछी तक पहुँचना चाहते हो तो उस झोपड़ी में चले जाओ। अपनी सलाह के लिए शुक्रिया। मेरी पूंछ पर बैठो, तुम जल्दी पहुँच जाओगे। जल्दी वो गांव पहुँचे। छोटा बेटा झुग्गी झोपड़ी में गया और उसने वहाँ रात बिताई। जब सुबह हुई तब लोमड़ी वापस आई और उसने और एक सलाह दी। अब सीधे आगे बढ़ना,
तुम्हें एक किला दिखाई देगा जहाँ बहुत सारे सैनिक गहरी नींद में सो रहे होंगे। उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना और किले के अंदर जाना। वहाँ तुम्हें एक कमरा मिलेगा जहाँ सोन पंछी एक लकड़े के पिंजरे में बैठा होगा। उसके सामने ही एक सोने का पिंजरा भी होगा, लेकिन तुम उस पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना वरना पछताओगे। लोमड़ी ने फिर से एक बार अपनी पूंछ फैलाई और नौजवान लड़का उस पर बैठ गया और किले के दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर गया जहां उसे वो कमरा मिला जैसे कि लोमड़ी ने कहा था। इस खूबसूरत पक्षी को ऐसे लकड़ी के पिंजरे में रखना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही उसने पिंजरे को बदलने के लिए दरवाजा खोला तो पंछी जोर से चीखा जिससे सोए हुए सैनिक जाग गए। उसे कैदी बनाया गया। दूसरे दिन सुबह अदालत में पेश किया गया जहां ऐसा निर्णय लिया गया जहां उसे मौत की सजा सुनाई गई। ओ मेरे दयालु महाराज, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ दूंगा। जाओ मेरे लिए वो सोने का घोड़ा ले आओ जो तूफान जैसे तेज दौड़ सकता है, तभी मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा और वो सोन पंछी भी दे दूंगा। वो फिर से सफर की ओर चल पड़ा। तब उसे उसका दोस्त लोमड़ी मिला। तुमने देखा क्या हुआ? मेरी सलाह ना मानने का नतीजा? लेकिन तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए उस सोने के घोड़े को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सीधे जाना, फिर तुम्हें एक किला नजर आएगा जहां वो घोड़ा अपने टेंट में खड़ा होगा। उसके पास उसकी देखरेख करने वाला गहरी नींद में खर्राटे भर रहा होगा। घोड़े को चुपचाप वहां से निकाल लेना, लेकिन उस पर पुराना चमड़े का सैडल डालना मत भूलना और उसके पास पड़ा सोने का सैडल बिल्कुल मत लेना। सब कुछ सही जा रहा था। घोड़े को देखते ही उसने सोचा, मैं इसे सोने का सैडल दूंगा जिस पे इसका हक बनता है। लेकिन जैसे ही उसने सोने का सैडल उठाया तो उसका देखरेख करने वाला जाग गया, जिससे रक्षक दौड़ के आए और उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे मौत की सजा सुनाई। उसने फिर से दया की भीख मांगी। अगर तुम खूबसूरत राजकुमारी को मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम वो पंछी और वो घोड़ा अपने पास रख सकते हो। लड़का अपनी राह चल पड़ा और उसे फिर लोमड़ी मिली। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हारे पास पंछी के साथ साथ घोड़ा भी होता। मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगा। अब सीधे जाओगे तो तुम एक किले के पास पहुंचोगे। वहां राजकुमारी से मिलना और उसे चूम लेना। मध्य रात्रि में राजकुमारी नहाने जाती है तब वो तुम्हें रास्ता बताएगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम उसे उसके माँ बाप के पास विदाई लेने के लिए बिल्कुल मत जाने देना। वो दोनों किले के पास पहुँचे। लोमड़ी ने जैसे कहा था लड़के ने वैसे ही किया। मध्य रात्रि को वो राजकुमारी से मिला और उसे चूम लिया। राजकुमारी भी उसके साथ भागने को तैयार हुई, लेकिन उसने लड़के से रोते हुए गुजारिश की कि वो अपने पिता से मिलना चाहती है। आखिर में उसने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वो अपने पिता से मिलने आई लड़के को फिर से बंदी बना दिया। तुम मेरी बेटी को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम सामने वाले पहाड़ को 8 दिन में तोड़कर नहीं हटा देते जो मेरी खिड़की के सामने है। ये पहाड़ इतना विशाल था कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकता था और 7 दिन होने के बाद भी वो पहाड़ का कुछ ही हिस्सा तोड़ पाया था। निराश होकर वो बैठा ही था कि उसका दोस्त लोमड़ी वहाँ आकर उसकी मदद करने तुम लगा। सो जाओ, मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा। और सुबह होते ही पहाड़ गायब था। राजा ने खुश होकर उसे अपनी बेटी सौंपी और नौजवान और राजकुमारी चल पड़े। उसकी मुलाकात फिर से लोमड़ी से हुई। अब तुम तीनों को ले जा सकते हो, यानी राजकुमारी, घोड़ा और पंछी। सच में? लेकिन कैसे? ध्यान से सुनो, राजा के पास जाओ और उसे राजकुमारी दे दो। वो बहुत खुश होगा। फिर तुम घोड़े पे सवार होना और उनसे विदा लेना, राजकुमारी से आखिर में हाथ मिलाना और तभी झट से उसे घोड़े पर बिठा देना और जितना तेज हो सके वहां से निकल जाना। उसके बाद किले में जाना जहां पंछी है।
मैं राजकुमारी के साथ बाहर रुकूंगा। तुम घोड़े को दयालु राजा को दिखाना और वो पंछी को बाहर ले आएगा। उससे कहना मुझे पंछी एक बार देखने दो कि ये असली सोन पंछी है या नहीं। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पंछी आएगा तुम वहाँ से निकल जाना। जैसे लोमड़ी ने कहा सब कुछ वैसा ही हुआ। तुम्हारा शुक्रिया प्यारे दोस्त, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात है तो मुझे खत्म कर दो। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। दो बातों को हमेशा याद रखना। वापस लौटते वक्त फांसी से किसी को भी मत बचाना और फिरौती मत देना। और याद रहे नदी के किनारे बिल्कुल मत बैठना। वो राजकुमारी के साथ सवारी करते हुए गांव में पहुंचा, जहां उसके दोनों भाई थे। वहां उसे बहुत शोर और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वहां दो आदमी को फांसी होने वाली थी। ये जानने के लिए वो पास में गया और उसने देखा कि वो दो आदमी उसके भाई थे जो चोर बन गए थे। मेरे सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को छुड़ाने के बाद वो सभी उस जंगल में गए जहां उन्हें लोमड़ी मिली। तभी दोनों भाइयों ने कहा, आओ इस नदी के पास आराम से बैठकर कुछ खाते हैं। उसने उनकी बात मानी और छोटा भाई लोमड़ी की सलाह भूल गया और वहां जाकर बैठ गया। और कुछ सोचता उसके पहले ही उसके दोनों भाइयों ने उसे नदी में धकेल दिया और राजकुमारी, घोड़ा और पंछी को लेकर चल पड़े राजा के पास। महाराज की जय हो, हम सोन पंछी के साथ और भी कुछ ले आए हैं और ये सब हमने अपनी मेहनत से जीता है। फिर शाही जश्न की तैयारी हुई, लेकिन घोड़े ने कुछ नहीं खाया, पंछी ने गाना नहीं गाया और राजकुमारी तो रोने लगी। छोटा बेटा नदी किनारे गिर गया। किस्मत से किनारा सूखा था, लेकिन किनारा इतना सीधा था कि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तभी लोमड़ी फिर आई उसकी मदद करने के लिए। अगर तुमने मेरी बात याद रखी होती तो आज ऐसी हालत नहीं होती। फिर भी तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, इसलिए मेरी पूंछ जल्दी से कस के पकड़ो। लोमड़ी ने उसे नदी से बाहर निकाला। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए पहरेदार रखे हैं, वो तुम्हें देखते ही मार देंगे। इसीलिए उसने एक गरीब आदमी का वेश धारण किया और राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही वो नजर आया तो घोड़े ने खाना शुरू किया, पंछी ने गाना शुरू किया और राजकुमारी ने रोना बंद किया। फिर वो राजा के पास गया और अपने भाइयों के हरकत के बारे में बताया। उन दोनों को पकड़ा और सजा दी गई और उसे राजकुमारी वापस मिल गई। और जब राजा का देहांत हो गया तब उसे राज्य का राजा बनाया गया। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन वो जंगल की ओर गया। वहाँ उसे वही लोमड़ी मिला जिसने उसे गुजारिश की कि उसे खत्म कर दे। मेरे प्यारे दोस्त, मुझ पर कृपा करो और मुझे खत्म कर दो, मुझे मुक्ति दिला दो। और छोटे बेटे ने दुखी मन से हाँ कह दिया। जैसे ही लोमड़ी की मौत हुई वो एक आदमी में बदल गया और वही लोमड़ी राजकुमारी के भाई के रूप में बदल गया जो पिछले कई सालों से घूम गया था।